सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। जैसा आप सब जानते हैं कि 21 दिसंबर को जो है मैंने संन्यास ले लिया है कुश्ती से, और सरकार ने जो नई फेडरेशन उसका निलंबन किया उसका मैं स्वागत करती हूं। और जैसे ही चुनाव हुए तो ब्रिजभूषण ने जो बेउदगी की वो सब पूरे देश ने देखा। 2 घंटे के अंदर अंदर ही उसने जो है अपने ही घर में नेशनल रख दिया बिना किसी नियमों को जाने। और ब्रिजभूषण ताकतवर है, पर इतना ताकतवर है ये हमें मालूम नहीं था। और अभी 2-4 दिन से भी एलिगेशंस लगा रहा है, 2-4 दिन से नहीं काफी दिनों से एलिगेशंस लगा रहा है कि हम जो है वो जूनियर बच्चों का हक मार रहे हैं, जूनियर बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। मैंने संन्यास ले लिया है और मैं ये चाहती हूं कि जो मेरे बाद आने वाली जूनियर लड़कियां हैं, बच्चियां हैं 62 किलो में जो हैं, वो मेरा सपना पूरा करें। मैंने ब्रॉन्ज जीता है, मैं चाहती हूं कि पेरिस ओलंपिक में 62 किलो में जो भी नई लड़कियां हैं वो गोल्ड या सिल्वर जीते देश के लिए। और हेड ऑफ कमेटी ने सीनियर नेशनल अनाउंस किया है, और मैं चाहती हूं कि अंडर 15-17 अंडर 20 का भी नेशनल वो जल्द से जल्द अनाउंस करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से किसी भी बच्चे बच्चियों का जो है रेसलिंग में नुकसान हो। और हमें जो है नई फेडरेशन से कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ हमें एक आदमी से दिक्कत थी, संजय सिंह से। और अगर नई फेडरेशन दोबारा आती है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हमें एडहॉक कमेटी से भी कोई दिक्कत है। मैं सरकार जो है माँ बाप की तरह होती है, जब बच्चा कोई भी शिकायत करता है या कोई भी उसे मांग होती है तो वो अपने माँ बाप के पास जाता है, तो वो भी हमारे अभिभावक हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, इन सबसे मैं अभी भी यही निवेदन करती हूँ कि जैसा कि आप इतने समय से देख रहे हैं वो अभी भी संजय सिंह है, वो कैसे आंखें दिखा रहा है, तो मैं नहीं चाहती कि फेडरेशन में जो है उसका दोबारा से कोई इंटरफेरेंस हो। ये आपसे निवेदन है, नई बच्ची बच्चियां जो है वो सुरक्षित महसूस करें। और पिछले 2 दिन से जो है वो ब्रिजभूषण के आदमी जो है वो फिर से एक्टिव हो गए हैं। मेरे घर मेरी मदर के पास कॉल जाता है धमकी के लिए कि उसी के किसी आदमी का कि जल्द से जल्द आपके घर में किसी पे केस होने वाला है। तो मैं ये बात अपनी पहुंचाना चाहती हूं कि हम सुरक्षित रहें, ये सरकार की जिम्मेवारी है। क्योंकि जब से हमने ब्रिजभूषण के खिलाफ लड़ाई शुरू की है वो ये कभी ना कभी ये एलिगेशंस या कुछ भी प्रोपेगेंडा वो चला ही रहा है, कभी कोई रूप दे रहा है, कभी हरियाणा यूपी का, कभी जात का वो रूप दे रहा है, अभी वो सीधा परिवार पे टारगेट कर रहा है। तो बस मैं सरकार से यही निवेदन करूंगी कि हम सुरक्षित हों। और एक बात और कहना चाहूंगी लास्ट कि मैं 2-4 दिन से सोशल मीडिया पे देख रही हूँ कुछ लोग हैं, आईटी सेल है या क्या है ब्रिजभूषण की, वो बहुत गंदा बोल रहे हैं। तो बस उनसे मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे जैसी बेटी या माँ बहने आप लोगों के घर में भी हैं, तो ऐसा ना करें। धन्यवाद। साक्षी, आपके पास फोन नंबर से अगर फोन आ रहे हैं तो आप लोग पुलिस में इसको इत्तला कर रही हैं, क्योंकि ये बाद में डेंजरस भी हो सकता है अगर आ रहा है फोन तो। हाँ, मेरी मदर के पास कॉल आया था तो उसका हम अभी आगे कार्रवाई करेंगे कि धमकियां आ रही हैं ऐसे ऐसे कि आपके परिवार पे किसी न किसी पे केस भी होगा। तो ये बड़ा मतलब दुखदायी है कि हमने जो लड़ाई है वो न्याय के खिलाफ लड़ी थी, बच्चियों को सुरक्षित रहें रेसलिंग में उनके लिए लड़ी थी, या पूरे देश में सुरक्षित रहें, लेकिन हमें ही धमकियां आ रही है और हमें ही घर परिवार पर थ्रेट करवा रहा है, तो ये तो बड़ा दुख की बात है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का कहना है कि संजय सिंह को तो वो वापस नहीं लाएंगे, चाहे वो प्रोटोकॉल फॉलो करें ना करें, संजय सिंह वापस नहीं आएंगे। सिर्फ एक ही सूरत है जिसमें वो वापस आ सकते हैं, अगर वो कोर्ट चले जाए, सुप्रीम कोर्ट कह दे कि इनको वापस कर लीजिए, तो उसमें फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का भी हाथ नहीं रहेगा। तो क्या आप इस चीज से संतुष्ट हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कह रही है संजय सिंह को वो वापस नहीं लेकर आएंगे? हाँ, मैं वही बात मैं बार बार निवेदन ही कर सकती हूँ कि जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं उसने कितनी बेहूदगी की है, और जब उसने वो किया इलेक्शंस जब हुए उसके बाद उसने जो नारे लगाए उससे बच्चे बच्चियां भी बहुत ऐसे परेशान हुई,
की दबदबा वाली चीज से। तो हाँ, अगर सरकार ये कह रही है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ये कह रही है कि वो वापस नहीं आएगा, मेरा भी यही निवेदन है कि वो ना आए, उसकी जगह कोई भी आए। तो